पर हमने बहुत लोगों की हेल्प भी कर दी, जिसकी वजह से हमारा बेस्ट ईयर रहा। ये तो ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज आएगा नहीं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो हक है उसको भी। पढ़ाई का टेंशन था, लाइक पढ़ाई कैसे होगी ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन, बहुत सारे ऐसे मतलब फेजेस आए जिनको हम कोप अप नहीं कर पाए। में काफी चीजें हमें देखने को मिली, चाहे हम कोविड की बात करें या बाकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है कश्मीर की उसको लेके बात करें, या उसको उसके बावजूद हमारी जो यूथ है ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गई है, या हमें काफी सुसाइडल केसेस जो है नजर आए, हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है चाहे स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक की बात करें वो जो है बंद है, हमारा बिजनेस जो है दुकान जो है चाहे छोटे दुकानों की बात करें बड़े दुकानों की बात करें सब कुछ जो है बंद रहा। तो नाज़िम 2021 फायदेमंद भी था कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हमारे लिए वर्स्ट भी था। लोगों का इस बारे में क्या कहना है वो हम देखते हैं और जानते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि 2021 कैसे रहा है लोगों के लिए। चाहे वो कोविड था या कोई और रीजन था, हमने वो सब नहीं देखा। इंसान का मेंटल हेल्थ खराब हो गया घर में बैठ बैठ के। से जो स्टार्ट हुआ पहले फ्लड्स आए, देन 2016 एंड उसके बाद जो लास्ट डेंट हमारी इकोनॉमी पे पड़ा वो था फ्रॉम 2019 ऑगस्ट, एंड सिंस देन इट हैज बीन ऑलमोस्ट 3 फाइनेंशियल इयर्स 2019 2020 2021 एंड ऑलमोस्ट 2022। तब से वी हैड वर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमी, टर्बुलेंट टाइम्स। हमारे जो बैंक लोन्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से हमने लिए हैं, दे आर माउंटिंग अप एंड इकॉनमी इज शैटर्ड। कोई लिक्विडिटी क्रंच है मार्केट में, कोई लिक्विडिटी नहीं है। पिछले 3 साल से इट हैज़ ऑलमोस्ट, अगर एक सर्वे हुआ था उसके मुताबिक 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है कश्मीरी इकॉनमी का। 2021 was best for me because a lot of things happened in my life. People were distressed and people were literally depressed कि क्या हो जाएगा, लेकिन वहीं पर जो हमारा सेटअप था हमने ऑनलाइन किया, वर्क फ्रॉम होम किया एंड हमने बहुत कुछ बदलाव भी देखे एंड बहुत कुछ चीज़ें हमारे साथ हुई, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ सिक्स फिगर अर्नर्स, लाइक लॉट ऑफ पीपल, हमने बहुत लोगों की हेल्प भी कर दी जिसकी वजह से हमारा बेस्ट ईयर रहा। 2021 के आखिरी महीने यानी दिसंबर में श्रीनगर और मैं कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, उससे ये अंदाज़ा लगता है कि शायद गवर्नमेंट अब डेमोक्रेटिक स्पेस जो है उसको रिस्टोर करने जा रही है या कर रही है, तो उसको देखकर ये उम्मीद की जा सकती है कि कश्मीर में जो जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी उनकी जो लिबर्टीज़ है उनकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो हक है उसको भी आसान कर दिया जाए, ये एक उम्मीद की जा सकती है। 2021 मेरे लिए उतना अच्छा नहीं गुजरा, लाइक आई हैव टू स्ट्रगल लॉट ऑफ थिंग्स मेरे दिमाग में थे कि लाइक पढ़ाई का टेंशन था, लाइक पढ़ाई कैसे होगी ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन, बहुत सारे ऐसे मतलब फेजेस आए जिनको हम कोप अप नहीं कर पाए उस टाइम में। हर एक बंदे ने 2021 में बहुत ज़्यादा सफ़र किया। सो मैं एक होप तो नहीं बोल सकता, मतलब मैं कोई खुदा नहीं जो 2022 के बारे में इतना कुछ बोल सकता है, बट आई होप कि सबके लिए 2022 है जो बहुत ही अच्छा गुजरे।